जोहार दोस्तों दोस्तों एक आदिवासी संथाल लड़की है जो फेसबुक पर पोस्ट करती है कि वो मुस्लिम से शादी करना चाहती है, करेगी। कोई आदिवासी समूह या संगठन या आदिवासी समाज के लोग उनको कोई रोक के दिखा सकता है तो रोक के दिखाए। दोस्तों लड़की है, बोकारो के रहने वाली है, बरागढ़ या ऐसे कुछ नाम है जो खुद बताती है। चलिए आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ अपना स्टोरी में, फेसबुक के स्टोरी में उन्होंने क्या डाला था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसने अपना नंबर भी दिया हुआ है और लड़के का नंबर भी दिया गया है, और साथ ही साथ पूरे आदिवासी को, पूरे एसटी को उन्होंने खुला चैलेंज दिया है कि वो रोक के दिखाए किसी गैर आदिवासी से शादी कर रही है और वो चाहती है कि उनको कोई रोक के दिखाए। ये खुला चुनौती है आदिवासियों के लिए। दोस्तों क्या इस तरह का हिम्मत इस लड़की को दिखाना चाहिए, या इस तरह का खुला चुनौती जो समाज को दे रहे हैं क्या ऐसे देना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट पे जरूर बताएं। दोस्तों मैं आदिवासियों के लिए खास तौर पर अंतर जातीय जो होता है इंटरकास्ट मैरिज में सपोर्ट नहीं करता हूँ, उसके पीछे मैं कारण बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो नुकसान होता है वो होता है जमीन के ऊपर। यदि कोई हमारे आदिवासी लड़की किसी गैर आदिवासी से शादी करती है तो ऐसे में वो आदिवासियों का जमीन तो ले सकती है और उसका मालिकाना हक उनके हस्बैंड होंगे, तो इस तरह से आदिवासियों का जमीन पूरी तरह से छीना जाएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं सीएनटी एसपीटी एक्ट एक ऐसा प्रावधान दिया गया है जिसमें आदिवासियों का जमीन को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है कि आदिवासियों का जमीन केवल आदिवासी ही ले सकता है, गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। यदि एक आदिवासी लड़की किसी गैर आदिवासी से शादी करती है तो ऐसे में जमीन वो ले सकती है, लेकिन उनका जो मालिकाना हक है वो गैर आदिवासी को चला जाता है। तो ये खतरा है यदि आदिवासी लड़की गैर आदिवासी लड़का से शादी करता है। दूसरा है रिजर्वेशन, जिस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी जानते हैं रिजर्वेशन जो है हर किसी कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया है। वे अपना रिजर्वेशन अपने लोगों के, अपने समाज का उत्थान करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कि आदिवासियों में रिजर्वेशन जो मिला हुआ है, ये रिजर्वेशन आदिवासियों का उत्थान करने के लिए, आदिवासियों का विकास करने के लिए दिया गया है। यदि एक आदिवासी लड़की गैर आदिवासी से शादी करती है तो वो एसटी के नाम पे नौकरी ले सकती है, उस नौकरी का फायदा जो है वो गैर आदिवासी को पहुंचेगा। यदि कोई आदिवासी लड़की गैर आदिवासी से शादी करती है तो उस नौकरी से जो प्रॉफिट होने वाला है क्या वो आदिवासी को मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसका फायदा गैर आदिवासी उठाएगा जिनसे वो शादी की है, उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। तो ऐसे ही एक दिन यदि धीरे धीरे सारी लड़कियां गैर आदिवासी से शादी करने लगेगी तो आदिवासियों के जो रिजर्वेशन है उनका फायदा तो गैर आदिवासी उठाएंगे। इस कारण से आदिवासी लोग, या तो मैं भी इसका विरोध करता हूं कि हमारे आदिवासी लोगों को गैर आदिवासी से शादी नहीं करना चाहिए, नहीं तो गलत प्रभाव पड़ता है हमारे समाज के ऊपर आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि इस तरह का खुला चुनौती इस लड़की ने जो दी है क्या ये सही है? ऐसे ही लड़कियों के द्वारा जब फेसबुक पर पोस्ट किया जाता है, खुला चुनौती दिया जाता है, इससे बाकी लड़की लोग भी सीखते हैं इस तरह की मानसिकता को, और वो भी इस तरह की मानसिकता सीखने के साथ साथ करती भी है। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। हमारे समाज के सभी लोगों को जागरूक करना चाहिए कि क्यों हमें इंटरकास्ट शादी नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे समाज के जो संगठन के लोग जो हैं, हमारे समाज के लोग इस विषय पर चर्चा कर सके और जो भी कार्रवाई हो उस पर कार्रवाई किया जा सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।